हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रहा है। सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था। आई नो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं रिगार्डिंग द पुणे रियल एस्टेट मार्केट जहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। और ऑफकोर्स आगे की प्लानिंग तो है ऑल ओवर इंडिया में जाने की, बट पुणे ही इतना बड़ा हो चुका है और इतनी डील्स हो रहे हैं पुणे में या इतना ही काम है पुणे में, तो उसके बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। और अभी भी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। पुणे में एक बहुत बड़ा डील हुआ है 200 करोड़ का, वो भी लैंड डील का। तो यहाँ से समझना ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, लैंड का मार्केट कहाँ जा रहा है और किस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। किसका लैंड था, किसने बाई किया है, वो पूरा हम लोग देखने वाले हैं। और आप मानेंगे नहीं, 200 करोड़ में ऐसा कोई बड़ा पार्सल नहीं है। 40-50 एकड़ का पार्सल नहीं है, 25-30 एकड़ का भी पार्सल नहीं है, 10-15 एकड़ का भी पार्सल नहीं है, मात्र 4.5 एकड़ का पार्सल है। तो ये जो लैंड गई है ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपये एकड़ में गई है, 45 करोड़ एकड़। आप सही सुन रहे हैं। तो कहाँ हुआ ये लैंड ट्रांजेक्शन, कैसे हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं। ये लिया है, मैं पहले एक काम करता हूँ, अपने आप को उसमें ले आता हूँ शॉर्ट स्क्रीन पे। ये मैं आ चुका हूँ शॉर्ट स्क्रीन पे, तो आपको मैं इजीली दिखा पाऊँगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये लिया है प्रेस्टीज एक्सोरा बिजनेस पार्क करके कंपनी है, उन्होंने 4.5 एकड़ का पार्सल लिया है 200 करोड़ में। तो आप पकड़ लीजिए कि ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपये एकड़ के आसपास का डील है। प्रेस्टीज एक्सोरा बिजनेस पार्क हैज़ बॉट अ लैंड पार्सल लोकेटेड इन खराड़ी। सरप्राइजिंगली ये खराड़ी में ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि मैं वेस्ट पुणे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़े ट्रांजेक्शन इस तरह के होते हैं नॉर्मली। वेस्ट पुणे इज़ हैबिचुअल, बट ये अभी ईस्ट पुणे में भी खराड़ी के आसपास भी इतना अप्रिशिएट प्राइस हो चुका है लैंड का, एंड वन ऑफ द एक्सपेंसिव एरिया बन चुका है। नॉट इवन पुणे, वन ऑफ द कंट्री का, जिस तरह से बाड़मेर, वाकड़ या हिंजवाड़ी के सबब में जो लैंड ट्रांजेक्शन हो रहे थे इसी रेंज में हो रहे थे, अभी खराड़ी में भी होना शुरू हो गए हैं। वन ऑफ द बिजिएस्ट कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट इन द सिटी, जो कि वहाँ पे आईटी पार्क भी है, यूएन आईटी पार्क भी है। बेंगलुरु बेस्ट लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है, रियल इस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज स्टेज ओनली ओन सब्सिडरी। ओके, ये प्रेस्टीज स्टेट जो लिस्टेड कंपनी है उसी की सब्सिडरी है। प्रेस्टीज एक्सोरा बिजनेस पार्क लिमिटेड हैज परचेज 4.75 एकर्स ऑफ लैंड इन पुणे फॉर 200 करोड़। बेंगलुरु बेल इस्टेट रियल इस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज स्टेज होली और सब्सिडरी प्रेस्टीज एक्सोरा बिजनेस पार्क हैज परचेज 4.5 एकड़ लैंड पार्सल इन पुणे फॉर 200 करोड़ टू द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एक्सेस बाय सीआईआर मैट्रिक्स। तो ये दिख भी रहा है प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन। द लैंड वॉज सोल्ड बाय पुणे बेस बीयू भंडारी एमएनएम रियल्टर्स फॉर विच ट्रांजेक्शन वॉर रजिस्टर्ड ऑन। अच्छा, ये पुणे बेस्ट बीयू भंडारी ने बेचा है, पुणे के जो वेल नोन बिल्डर हैं बीयू भंडारी ने ये पार्सल बेच दिया है। वो तो खुद बिल्डर है, आप खुद सोचिए कि किस लेवल का पुणे मार्केट बन चुका है। जो पुणे के वेल नोन बिल्डर है वही अपनी लैंड लिक्विडेट कर रहे हैं, बिकॉज द बिग प्लेयर लाइक प्रेस्टीज, लोडा एंड ओबराय, शोभा, दे आर द इंटरनेशनल प्लेयर, दे आर कमिंग अप इन पुणे सो एग्रेसिवली, दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट। तो ये बीयू भंडारी का लैंड था। द स्टैम्प ड्यूटी पेड फॉर द लैंड इज ओवर 14 करोड़, 14 करोड़ की लैंड स्टैम्प ड्यूटी दिए। तो ऑफकोर्स 6+1 स्टैम्प ड्यूटी है, तो ऑलमोस्ट 7% के हिसाब से 7 करोड़ होता है 100 करोड़ का, तो 200 करोड़ का 14 करोड़ अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट। द रियल इस्टेट डील, मतलब एक वो डील भी हुई थी उसके बारे में भी लिखा है, जो एक पेंट हाउस बिका था 37 करोड़ में। एन अमाउंट ऑफ 198 करोड़ वॉज पेड फॉर बाय द परचेजर टू द सेलर थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट डीडी दिया है ऑन अप्रैल 2024। द टैक्स डिडक्टेड एट सो टीडीएस फॉर द डील इज 2 करोड़, 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, तो 2 करोड़ का टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है। दैट टेकिंग द टोटल लैंड परचेज कॉस्ट टू 200 करोड़ द डॉक्यूमेंट शोज। तो द प्रेस्टीज ग्रुप इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन पुणे ओवर द कमिंग मंथ्स। द कंपनी हैज सेड इन दिसंबर लास्ट ईयर दैट इट्स प्लान्स टू लॉन्च अ हाउसिंग प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस एन
एरिया ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर फीट विद अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 750 करोड़ टू 1000 करोड़। तो दोस्तों ये आप समझिए, लाइक द काइंड ऑफ पुणे इज बिकमिंग, इट्स गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट मार्केट फॉर द रियल्टर्स। फिर से एक दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं, ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, प्रेस्टीज से सब्सिडरी बाइज 4.5 एकर्स इन पुणे फ्रॉम द जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनर। तो सेम चीज़ ही इन्होंने भी लिखी है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और प्रेस्टीज ग्रुप, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का वन ऑफ द एक बड़ा रियल इस्टेट फॉर्म है, और हर जगह ये बात चल रही है प्रेस्टीज ग्रुप की, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनीज की पहले चीज़ें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उनको डिक्लेयर भी करना होता है। और ये आप मनी कंट्रोल पे भी आप देख रहे हो, प्रेस्टीज एक्सोरा बिजनेस पार्क है सब्सिडरी ऑफ बेंगलुरु बेस्ड डेवलपर प्रेस्टीज ग्रुप है परचेज 4.75 लैंड पार्सल इन पुणे टेक हब ऑफ खराड़ी फॉर 200 करोड़, डॉक्यूमेंट एक्सेट बाय रियल इस्टेट डाटा एनालिक्स फर्म CRE। तो आप खुद समझ सकते हो। और प्रेस्टीज ग्रुप का मार्केट कैप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मनी कंट्रोल पर आई है तो वो भी काम कर लेते हैं। प्रेस्टीज स्टेट, तो ये है प्रेस्टीज स्टेट का डिटेल मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। और इसके पीयर्स भी देखेंगे कि लिस्टेड कंपनीज कौन सी कहाँ कहाँ पे खड़ी है, और पुणे में जिस जिस का प्रेजेंस है। अभी कुछ दिन पहले ही DLF के जो ओनर है उनका कमेंट आया था, वी आर गोइंग टू फोकस पुणे, पुणे को फोकस, पुणे और मुंबई को भी फोकस करने वाले हैं। तो अभी एक DLF जो है नॉर्थ में ज़्यादा है, तो उनका अभी ये प्रेस्टीज स्टेज का, ये मैंने लिस्टेड स्टॉक का डिटेल डाला है, सब ऑलमोस्ट 1800 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो इसके पीयर्स हम लोग देख लेते हैं कि इसके पीयर्स में कौन कौन आता है, एक मिनट, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी कंपनीज हैं जो पुणे में अवेलेबल हैं टॉप की, वो भी मैं आपको बता दूंगा, रुक जाइए। तो उसके ऊपर एक काम करते हैं, अलग वीडियो बताते हैं, बट दिस इज़ अ प्रेस्टीज स्टेज का जो पूरा डिटेल मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि किस तरह का इनका अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और ये पूरा डिटेल आपके सामने अवेलेबल है प्रेस्टीज स्टेट का, और कैसे कैसे ये लिस्टेड कंपनी है। तो आई होप फ्रेंड्स मैं कुछ ग्लिम्स दे पाया हूँ आपको ये डील्स के बारे में। तो अभी आप देखेंगे 200 करोड़, 4.5 एकड़, तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फिट से ऑलमोस्ट, आप पकड़ लीजिए एक गुंठा आपका ऑलमोस्ट टोटल 1 गुंठा 1 करोड़ में गया है। तो आप खुद हिसाब लगाइए, वो भी डायरेक्ट कॉर्पोरेट डील हुई है, कोई ये कोई एने रेरा प्लॉट नहीं है, या किसी गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट नहीं है, या बीयू भंडारी ने कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट रॉ लैंड दी है। तो आप खुद सोचिए लैंड के रेट कहाँ पे पहुँचने वाले हैं पुणे सिटी के सराउंड में। तो ये डील से हमें समझ में आ रहा है कि रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, एंड आई होप मैं कुछ क्लिम्स दे पाया हूँ। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिला हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।